बॉलीवुड को बायोग्राफी बनाने का शौक हमेशा से ही रहा है। कई बायोग्राफी सफल भी साबित हुई हैं, लेकिन बात जब पॉलिटिक्स की आती है तो ये स्वाद जरा खट्टा हो जाता है, क्योंकि नेताओं पर बनी ज्यादातर फिल्मों के दो ही हश्र हुए हैं, पहला फ्लॉप या फिर सुपर फ्लॉप। नेता की इमेज भले ही सुपर लीडर की हो, लेकिन उसी की लाइफ पर बनी फिल्मों को पब्लिक सिरे से नकार देती है। फिर चाहे वो हालिया पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म हो, या भूतपूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म, या हालिया रिलीज मैं अटल हूँ। नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फिल्मों का नतीजा लगभग एक जैसा ही रहा। आज के इस वीडियो में हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी बायोग्राफिकल फिल्में फ्लॉप क्यों हो जाती हैं। हाँ, हम ये पहले ही स्पष्ट कर दें कि इस वीडियो का मकसद किसी पार्टी या नेता विशेष को सपोर्ट करना या उनकी इमेज खराब करना बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर एक, पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की लाइफ पर बनी ये फिल्म रिलीज से पहले ही खासी विवादों में आ गई थी, जिसकी वजह थी इसकी रिलीज डेट। ओमंग कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म की रिलीज डेट 5 अप्रैल 2019 तय हुई थी और 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक होने थे लोकसभा चुनाव। हालांकि बाद में फिल्म चुनाव के बाद 24 मई को रिलीज हुई थी। boxofficeindia.com पर मौजूद जानकारी के मुताबिक फिल्म का बजट था 25 करोड़ और फिल्म महज 26 करोड़ की ही कमाई कर सकी थी, यानी फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी। आइए अब हम फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के फ्लॉप होने की वजहों की चर्चा कर लेते हैं। खराब स्टार कास्ट। सबसे पहली और बड़ी बात तो यह है कि मोदी के व्यक्तित्व से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। कोई भी एक्टर मोदी के रोल में खुद को जस्टिफाई नहीं कर सकता। इस फिल्म की कास्ट बेहद अजीब थी। मोदी के रोल में विवेक ओबेरॉय का होना फिल्म की सबसे बड़ी कमियों में से एक था। चेहरे पर सफेद दाढ़ी चिपका लेने भर से कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता। विवेक अच्छे एक्टर हो सकते हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि वो पर्दे पर मोदी के किरदार को निभा सकें। हिंदुस्तान बनने के बाद भी हम हिंदुस्तानी नहीं बन पाए। खराब रिसर्च। ऐसी फिल्मों में सबसे जरूरी चीज है रिसर्च, जिसका इस फिल्म में घोर अभाव था। फिल्म में मोदी के जीवन से जुड़ी जो भी घटनाएं दिखाई दी वो बेहद सतही थी। प्रोपेगेंडा फिल्म। जब किसी फिल्म के पोस्टर और ट्रेलर किसी पार्टी के लोग लॉन्च करने लगे तो इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि वो फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है। फिल्म की रिलीज डेट चुनाव से ठीक पहले यूं ही तो नहीं रखी गई होगी। विपक्ष की इमेज खराब करने की कोशिश। फिल्म में कई जगह ऐसे काल्पनिक दृश्य दिखाए गए थे जिससे ये स्पष्ट हो रहा था कि जानबूझकर विपक्ष की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। देश के हर कोने में ये तिरंगा लहराएगा। हिंदुस्तान आतंक से नहीं, आतंक हिंदुस्तान से डरेगा। नंबर दो, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये फिल्म भी साल 2019 में ही रिलीज हुई थी, लेकिन आम चुनाव से काफी पहले यानी 11 जनवरी को। फिल्म मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पर बेस्ड थी। फिल्म में मनमोहन सिंह का किरदार निभाया था अनुपम खेर ने, वहीं संजय बारू के किरदार में थे अक्षय खन्ना। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी और इस फिल्म में स्टार कास्ट का बहुत बड़ा अंतर था। इस फिल्म में अनुपम खेर और अक्षय खन्ना जैसे मजे हुए एक्टर्स थे, जिन्होंने अपनी एक्टिंग से फिल्म को देखने लायक बना दिया था। boxofficeindia.com पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक फिल्म का बजट 21 करोड़ था और कमाई लगभग 27 करोड़, और फिल्म को बिलो एवरेज बताया गया था। मनमोहन सिंह कभी भी ज्यादा बोलने के लिए नहीं जाने गए, इसलिए उनके बारे में जानने की इच्छा कम ही रही। दूसरी बात, 2014 में चुनाव हारने के बाद उनकी छवि पर भी बुरा असर पड़ा। फिल्म भी उनकी छवि को बेहतर बनाने का काम कतई नहीं करती। इसमें कोई दो राय नहीं कि फिल्म उन्हें नेगेटिव नैरेटिव के साथ ही दिखाती है। मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे अपने काम से मतलब है, क्योंकि मेरे लिए देश पहले आता है। नंबर तीन, मैं अटल हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व पर फिल्म बनाना ही बड़े साहस का काम है। उन्हें पर्दे पर दर्शाना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। वैसे भी उनका व्यक्तित्व इतना वृहद, इतना विशाल और इतना प्रभावशाली है कि उसे पर्दे पर दिखा पाना लगभग असंभव है। इसके बावजूद फिल्म मेकर्स ने जोखिम मोल लिया और नतीजा वही निकला जिसका अंदेशा था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई। हालांकि मुख्य किरदार निभा रहे पंकज त्रिपाठी से बड़ी उम्मीदें थी,
लेकिन उनके कंधे भी इस बोझ को उठा नहीं सके। इसी साल रिलीज हुई ये फिल्म कब आई और कब गई पता ही नहीं चला। सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए। अगर हम पॉलिटिकल शख्सियत की बात करें तो पब्लिक को उनके बारे में पहले ही बहुत कुछ पता होता है। इस पर बेस्ड फिल्म बनाने वालों को ये सोचना चाहिए कि वो नया क्या दिखा रहे हैं। दूसरी बात, इसमें लीड रोल निभा रहा एक्टर उस शख्स को हूबहू कॉपी करने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो उसकी चाल ढाल हो या उसकी बोल चाल का अंदाज। मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे अनुपम खेर जब दोनों हाथ आगे बढ़ाकर चलते हैं तो अजीब लगते हैं। वही मैं अटल हूँ में पंकज त्रिपाठी का प्रोस्थेटिक मेकअप उन्हें बेहतर बनाने की बजाय खराब ही करता है। पूरी फिल्म में वो वाजपेयी जी की कॉपी करने की असफल कोशिश करते रहे। फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए कि जब एक्टर अपनी सारी ऊर्जा नकल करने में लगा देगा तो वो एक्टिंग क्या खाक करेगा। यही नहीं, कई बार तो मेकर्स इस गफलत में रहते हैं कि वो एक बड़ी शख्सियत पर फिल्म बना रहे हैं, इसलिए उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो तो थिएटर तक पहुंचेगी ही। इस चक्कर में वो रिसर्च करना ही भूल जाते हैं। किसी का पॉलिटिकल फैन होने का मतलब नहीं कि वो उस पर बेस्ड फिल्म भी देखने के लिए थिएटर जाएगा ही, वरना फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी कभी फ्लॉप न होती, ना ही मैं अटल हूँ फ्लॉप होती। अक्सर इन फिल्मों पर प्रोपोगंडा फिल्म होने के भी आरोप लगते हैं और अक्सर ये गलत भी नहीं होते। इन फिल्मों की रिलीज टाइमिंग भी यही संकेत करती है। हाँ, इन फिल्मों के साथ एक जेन्युइन प्रॉब्लम भी होती है। जब भी कोई ऐसी फिल्म बनती है तो पहले ही दिन से उसके दर्शक दो भागों में बढ़ जाते हैं। जो पक्ष से हैं वो थिएटर तक जाएं या ना जाएं, विपक्ष से ताल्लुक रखने वाले तो कतई थिएटर तक कदम नहीं रखेंगे। हर व्यक्ति की सोच किसी न किसी पक्ष से जुड़ी हुई है। यही सोच दर्शकों के बड़े वर्ग को थिएटर तक जाने से रोकती है। इसके अलावा आज भी दर्शकों को थिएटर तक खींच लाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है एंटरटेनमेंट, और बायोग्राफिकल फिल्मों के साथ ये भी एक समस्या होती है। फिलहाल तो दर्शकों और फिल्म मेकर्स की पसंद बदलती नजर नहीं आती। हाँ, उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में दोनों की ही सोच में परिवर्तन आएगा और ऐसी फिल्में भी अच्छा बिजनेस करेंगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।